नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की खबर आ रही है आजमगढ़ जनपद से, जहां बाजार इंडिया के तत्वाधान में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें दो ग्रुप बनाया गया। 4 साल से 8 साल तक और 9 साल से 14 साल तक के बच्चों का अलग अलग ग्रुप बनाया गया था। पहले ग्रुप में 4 साल से 8 साल तक के बच्चों में दीपिका सरोज प्रथम स्थान, अर्णव द्वितीय स्थान, हिमांशु तृतीय स्थान और श्रेया को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो वहीं 9 साल से 14 साल तक के बच्चों में श्रेया यादव को प्रथम स्थान, वर्षिका यादव को द्वितीय स्थान, साक्षी पांडे को तृतीय, तो वहीं विपिन को चौथे स्थान का पुरस्कार दिया गया। अन्य बच्चों को भी बाजार इंडिया के स्टोर मैनेजर की तरफ से सांत्वना पुरस्कार वितरित किया गया, जिनका आंखों देखा हाल हम दिखाएंगे आपको वीरेंद्र कुमार सरोज जी के साथ। सर, आपकी जो सोच बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, आपके जो बच्चों के लिए आपने कला किए हैं, आपके अंदर क्या सोच आई थी कि आपने किए हैं? ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप बच्चे का टैलेंट देखते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों का टैलेंट जरूर देखना चाहिए माता पिता को। हम लोगों का कोशिश हमेशा से यही रहता है कि एक बाजार इंडिया के बैनर तले एक अच्छा एक्टिविटी हम बच्चों के लिए कराते रहें, और जिससे पेरेंट्स को पता चले कि उनके बच्चे और क्या कर सकते हैं। आगे और भी कराएंगे बच्चों के टैलेंट को देखते हुए। बहुत तरह के पार्टिसिपेशन और एक्टिविटी हम लोग कराते रहते और हमेशा कराते रहें। बच्चों कला के देखकर आपको क्या लगा कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे आपको क्या? देखिए, बच्चों के हर स्कूल में आजकल पढ़ाइयाँ अच्छी ही होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स उन पर विशेष ध्यान देते हैं। तो एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू और हम लोग देख पाते हैं, उनके पेरेंट्स और देख लेते हैं उनके बच्चों के अंदर और क्या टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग और वो आगे।